कि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, कि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, कि उसको वैसा फल मिलता है जो जैसी नियत रखता है। क्योंकि कहना है मेरी मैया से माँ कि इतना दिया मैया रे मेरी, कि जितनी मेरी औकात नहीं, कि इतना दिया माँ ने मेरी जितनी मेरी औकात नहीं, कि ये तो कर्म मेरी माँ कहे, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। आइए जितने भक्त बैठे माँ की सेवा करने के लिए आए हैं, जितने भक्तों को खुशी है सारे मिलकर मेरे साथ भजन गाएंगे, क्योंकि कहते ना भोजन और भजन हमेशा मन से करना चाहिए। भोजन तो करके आप लोग आए लेकिन अब भजन की बारी है, भजन बड़े मन से करिए और ताली लगा के सेवा करते हुए गाएंगे, कहेंगे भैया से मैया कि आज खुशी से झूम रहा दिल ना जाने क्या बात है। सारे भक्तों ने हाथ उठाए थे जिसको जिसको खुशी थी। अब देखना ये है कि मैया की सेवा बैठकर करता कौन कौन है। कि आज खुशी से झूम रहा दिल ना जाने क्या बात है, मैया का साथ है जागे भी रात में, मैया का साथ है। आज खुशी से झूम रहा दिल ना जाने क्या बात है, आज खुशी से झूम रहा दिल ना जाने क्या बात है, जागे भी रात है मैया का साथ है, जागे भी रात है मैया का साथ है। कहते कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता, और जो ना बजाए मेरे मैया के भजनों में तालियां वो मेरे मैया के नाम का दीवाना। जितने दीवाने हैं हाथ उठाना, सीधे हाथ, जितने ऊंचे आप भी ताली लगा दीजिएगा।
ऐसा लगता मैया मुझको आ गए वैष्णो धाम में, ऐसा लगता मैया मुझको। आपको कहते हैं कि नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं होता, और जहाँ लगा हो मेरी मैया का दरबार, वो धाम किसी वैष्णो धाम से कम नहीं होता। आज आप ऐसा सोचिए कि हम वाकई में वैष्णो धाम में ही बैठे हैं, इसलिए बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं, बड़े भाव से मैया को मना रहे और कह रहे हैं क्या कि ऐसा लग रहा स्वर्ग से हो रही, ऐसा लग रहा स्वर्ग से हो रही। अब हाथ रख के भजन गाना अगर अच्छा लग रहा है और ताली गाते कहना है क्या मैया से माँ अमृत की बरसे बदरिया। और क्या कहना है मैया से दादुर मोर